नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं कार इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा मोटर्स की अपकमिंग माइक्रो एसयूवी एचबीएक्स के बारे में और आपको बताएंगे इस गाड़ी की ऑफिशियल लॉन्च डेट के बारे में, इस गाड़ी की प्राइसिंग के बारे में, ऑफिशियल नेम के बारे में और इस गाड़ी के वेरियंट्स के बारे में। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की है वीडियो। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन ऑप्शंस के बारे में। इस गाड़ी में हमें 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड 3 सिलेंडर BS6 पेट्रोल इंजन मिलेगा। इस इंजन में हमें 86 BHP की पावर और 113 Nm का टॉर्क मिलेगा। यह इंजन हमें 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT ट्रांसमिशन के साथ मिलेगा। इस इंजन में हमें लगभग 23 kmpl तक का माइलेज मिल सकता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस गाड़ी के वेरिएंट्स के बारे में। टाटा मोटर्स इस गाड़ी को 4 वेरिएंट्स में लॉन्च करेगा। बेस वेरिएंट होगा XE, उससे ऊपर XT, उससे ऊपर XZ और टॉप वेरिएंट XZ+। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस गाड़ी की प्राइसिंग के बारे में। इस गाड़ी की एक्सपेक्टेड प्राइसेज हैं 4.8 लाख रुपीज़ टू 7 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम डेली। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस गाड़ी के ऑफिशियल नेम के बारे में। टाटा मोटर्स ने हाल ही में टमेरो नाम के लिए ट्रेडमार्क अप्लाई किया है, इसलिए इस गाड़ी का नाम टाटा टमेरो होने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस गाड़ी की लॉन्च डेट के बारे में। टाटा मोटर्स ने इस गाड़ी की ऑफिशियल लॉन्च डेट को अभी तक रिवील नहीं किया है, लेकिन इस गाड़ी की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 15 नवंबर 2020। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो देखने के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।